Welcome back to B2E classes. Hello everyone. Today we will do a fraction of class 7th, chapter number 2, 2.1. Okay, so let's start. Question number 1 hai, convert the following improper fraction into mixed fraction. आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया है और आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको पता होंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिसका जो डिनोमिनेटर होता है वो छोटा होता है अपने न्यूमरेटर से. डिनोमिनेटर छोटा होता है किससे, अपने न्यूमरेटर से. आपको पता होगा ऊपर वाली डिजिट न्यूमरेटर होती है और नीचे वाली डिजिट डिनोमिनेटर होती है. ये आपने क्लास 3rd और 4th के कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा. ठीक है, ये 3rd और 4th क्लास का कॉन्सेप्ट है. ठीक है, तो अब आपको ये इम्प्रॉपर दिया है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है किससे, इसके न्यूमरेटर से. ठीक है, तो हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करके देखेंगे. राइट, हम साइड में यहाँ पे डिवाइड करेंगे. ऊपर वाली डिजिट हमेशा अंदर होती है ब्रैकेट के और नीचे वाली डिजिट बाहर होती है. 5 की टेबल में 12 आता है, नहीं आता. तो 12 से छोटा नंबर कौन सा होता है, 5 1 5 5 2 10. ठीक है, 12 में से 10 माइनस करोगे कितना आएगा, 2. तो अब क्या करेंगे, हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में पुट करेंगे. साइड वाली डिजिट नीचे आएगी, नीचे वाली डिजिट ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली डिजिट साइड. ये इस तरह के हम साइकिल बना लेंगे जिससे हमें आसान हो जाए मिक्स फ्रैक्शन में लिखने में. ठीक है, 5 कहाँ आ गया, नीचे. ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर. और ये 2 कहाँ जाएगा, यहाँ साइड. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आप खुद से करके देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू. हमें फाइंड द वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, वैल्यू अब जैसे दिया है 3 by 4 of 24. ऑफ का मतलब क्या होता है, पहले हम लिखेंगे 3 by 4. ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई किसका, 24. अब हम क्या कर सकते हैं, या तो हम क्रॉस में कट करेंगे. ठीक है, या तो हमें देखेंगे क्या 4 की टेबल में 24 आता है. 4 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 24 6 24. तो 4 1 4 6 24. ठीक है, 6 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि अब यहाँ पे नीचे 1 आ गया. अब तो ये कट नहीं सकता ना, तो हम क्या करेंगे, आमने सामने मल्टीप्लाई. 6 3 18. यस, नेक्स्ट बी पार्ट है आपका 1/10 ऑफ 360 kg. सेम एज इट इज होगा, जैसे कि हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन किया था, फर्स्ट पार्ट किया था, वैसे ही सेकंड पार्ट होगा आपका. अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पे. ठीक है, थर्ड पार्ट क्या बताया, 1/5 ऑफ, ये है आपकी होल नंबर की फॉर्म. ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, हमें इसे पहले तो होल नंबर को हमें सॉल्व करना होगा. पहले हम लिखेंगे 1/5 ऑफ 5 3, जहाँ पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऊपर वाली डिजिट से प्लस. 5 3 15. 15 में 3 प्लस करोगे कितना आएगा, 18. 18/5. ओके, अब हमें ऑफ का मतलब क्या था, 1/5 मल्टीप्लाई 18/5. ठीक है, हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या ये क्रॉस मल्टीप्लाई में कट रहे हैं, क्योंकि 1 तो कट नहीं सकता, 1 और 5 तो आपस में कट नहीं सकते. तो हम क्या चेक करेंगे, क्या 5 और 18 आपस में कट रहे हैं, नहीं. जब नहीं कटते तो हम क्या करते हैं, सामने सामने मल्टीप्लाई. 18 1 18, 5 5 25. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम होगा, आप इसे खुद से करके देखेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिट फ्रैक्शंस. कि इनमें से यूनिट फ्रैक्शन कौन सा है. सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि यूनिट फ्रैक्शन होते क्या है. यूनिट फ्रैक्शन वो होते हैं जिनका न्यूमरेटर 1 होता है. और न्यूमरेटर कौन सा होता है, हमेशा जो फ्रैक्शन की ऊपर वाली डिजिट होती है वो न्यूमरेटर होता है और फ्रैक्शन की नीचे वाली डिजिट हमेशा डिनोमिनेटर होता है. तो इसमें मैंने क्या बोला कि यूनिट फ्रैक्शन वो होता है जिसका न्यूमरेटर 1 होता है. तो यहाँ पे आपको यूनिट फ्रैक्शन कौन कौन से दिख रहे हैं, 1/5. यस, नेक्स्ट 1/20 और 1/2. 1/5, 1/20 और 1/2, ये क्या है आपके यूनिट फ्रैक्शंस. ओके, नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पेयर ऑफ लाइक फ्रैक्शंस. इसमें से कौन सा लाइक फ्रैक्शन है, पेयर कौन से हैं जो लाइक फ्रैक्शन है. लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है, और जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता वो आपके अनलाइक होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे 1/3 2/3, यहाँ देखोगे दोनों के डिनोमिनेटर सेम है. यहाँ पे क्या है 3/2 5/7, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है. तो ये आपका क्या है, लाइक फ्रैक्शन.
और ये आपका लाइक फ्रैक्शन नहीं है। ठीक, राइट क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर माने ये जो फ्रैक्शन दिए हैं आपको इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब कि छोटे से बड़ा। सबसे आप देखोगे सबके डिनोमिनेटर सेम है, तो इजीली आप इसे मैनेज कर सकते हो, असेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हो, क्योंकि आप न्यूमरेटर को आराम से देखो कि सबसे छोटा न्यूमरेटर कौन सा है, 1/11, फिर कौन सा है 3/11, नेक्स्ट कौन सा है 6/11, नेक्स्ट कौन सा है 9/11। क्योंकि डिनोमिनेटर अगर सेम होते हैं तो हम इजीली असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में आराम से लगा सकते हैं, लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें यहाँ पे दिक्कत आएगी। सेकंड क्वेश्चन है, आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, आपको सबसे पहले तो इसे इन प्रॉपर में अरेंज करना है। ठीक है, पहले तो आप नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाले नंबर से, प्लस 3 1 3 3 + 1 4, तो ये हो गया 4/3, 6 2 12 12 + 5 17 17/6, 12 1 12 12 + 7 19/12। इसको आपको चेंज ही नहीं करना क्योंकि ये इम्प्रॉपर में, मतलब आपको प्रॉपर में दिया है तो आपको सेम चेंज ही नहीं करना है इसे। ठीक है ना, आप क्या करोगे, आप इनको आप देखोगे डिनोमीटर किसी का भी सेम नहीं है, तो डिनोमीटर को आपको सेम करने के लिए इसके लिए आपको लेना होगा एलसीएम। ठीक है, यहाँ पे आप साइड में लाइन खींचिए, यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए सबसे पहले तो। ठीक है, डिनोमीटर सेम करना पड़ेगा आपको 3, 6, 12 और 18। देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे छोटा नंबर लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि 2, अब 2 से 3 तो जाएगा नहीं, तो 3 को तो हम 3 लिख देंगे, लेकिन 2 के टेबल में सारे नंबर आते हैं। ठीक है, 2 3 6, 2 6 12, 2 9 18। अभी देखो ये 3 और 3 तो 2 से जाएंगे नहीं, 9 भी नहीं जाएगा, लेकिन 6 चला जाएगा, तो हम 2 दोबारा रिपीट करेंगे यहाँ पे, 3 का 3 3 का 3, 2 3 6, 9 का 9। अब देखोगे ये सारे नंबर 2 से नहीं जाएंगे, तो हमें 2 से बड़ा नंबर लेना होगा, दैट मीन्स 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3। 3 की टेबल में 9 कब आता है, 3 1 3। अब क्या करोगे, इन सारे नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर लोगे, 2 2 = 4, 3 3 = 9, 4 9 = 36। तो एलसीएम कितना आया, चारों के डिनोमिनेटर का एलसीएम आया 36। तो अब यहाँ पे इस तरह से लिखोगे 4/3 मल्टीप्लाई, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो 4/3 को कि आपको 36 मिल जाए, डिनोमिनेटर में 36 रखना है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है 17/6, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि आपको 36 मिल जाए। सेम 19/12, क्योंकि हमने क्या करा है, डिनोमिनेटर को सेम किया है। ठीक है, तो देखो 3 की टेबल में 36 कब आता है, अब आप कहोगे 3 10 30 होता है, तो आप यहाँ पे डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो, 3 1 = 3, 3 2 = 6। ठीक है, कितनी बारी में आया, 12 बारी में आया, 3 की टेबल में 36 12 बारी में आता है, और ऊपर भी हमें 12 लिखना होगा, 12 4 = कितना होता है, 48। ठीक है, नेक्स्ट 6 के टेबल में 36 कितनी बारी में आता है, 6 बारी में, तो हमें न्यूमिनेटर भी 6 करना पड़ेगा, और 17 6 = क्या होता है, ठीक है 12 की टेबल में 36 कब आता है, बताओ आप बताओ कब आता है, 3 बारी में। ठीक है, तो न्यूमिनेटर भी हमें 3 रखना है, ये हो गया 57। 18 की टेबल में 36 आता है, डिवाइड भी करके चेक कर सकते हो, ठीक है, और टेबल भी भर सकते हो। अब हमें पता चल गया सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा है 14, क्योंकि डिनोमिनेटर सबसे सेम है, तो हमें न्यूमिनेटर चेक करना होगा, सेकंड नंबर पे ये, थर्ड पे 57 और फोर्थ पे ये, अरेंज कर सकते हैं आप आराम से। ठीक है, कैसे पता चलेगा आपको, ये 7/18 सबसे छोटा, उससे बड़ा है 4/3, उससे बड़ा है 19/12, एंड देन है 17/6। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 6, ऐड द फॉलोइंग, आपको ऐड करना है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे 1/9, एंड का मतलब है, मतलब प्लस, ऐड करना है तो हमें ऑब्वियसली प्लस लगाना पड़ेगा, 2/9। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो हमें कुछ नहीं करना होता, सिर्फ ऊपर वाले नंबर को प्लस करना होता है, तो 1 + 2 = 3। ठीक है, एक और चीज़ कर सकते हो कि ऊपर से कट भी रहे हैं, 3 1 = 3, 3 3 = 9, 3 की टेबल से दोनों कट रहे हैं, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर जब सेम नहीं होता तो हमें क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है। ठीक है,
यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ पे करके दिखाना होगा 25 और 5। अब देखोगे टू के टेबल में दोनों आते नहीं है, दोनों 5 की टेबल में आते हैं तो 5 से करोगे, 5 जो 25, 5 वन जो 5, 5 वन जो 5, 1 तो वही रह गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 जो 25, तो एलसीएम कितना आ गया इन दोनों का 25। ठीक है, पहले क्या होता है नीचे से डिवाइड होता है ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, पहले नीचे से डिवाइड होता है ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है। 25 की टेबल में 25 कितनी बारी में आता है, 1 बारी में, ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। प्लस 5 की टेबल में 25 कितनी बारी में आता है, 5 बारी में, ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 13 वन जा 13, 5 नाइन जा 45 अपॉन 25, ठीक है। 13 प्लस 45 कितना होता है, आप यहाँ पे प्लस करके चेक कर सकते हो, ठीक है, कितना हो गया 58 अपॉन 25, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस माने कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है। आप देखोगे 3/8 माइनस 1/8, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाले नंबर को देखा जाता है, 3 - 1 2। अब देखो ये ऊपर नीचे कट भी रहे हैं टू के टेबल से, 2 1 2 2 4 8, कितना हो गया 1/4। ये आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, आपको इसको सॉल्व करना होगा, पहले मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर से प्लस, 7 6 42, 42 + 1 43/6, ठीक है। 42 को 2 से मल्टीप्लाई करिए कितना होगा, 42 को 2 से मल्टीप्लाई करिए कितना होगा 84, 84 में 3 प्लस करो 87/42, ठीक है। आप क्या करोगे, दोनों का एलसीएम लेंगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं एलसीएम, टू की टेबल से कट जाएगा वैसे ये, ठीक है। 2 3 6, 2 की टेबल में 42 भी आता है, 2 2 4, 2 1 2, ठीक है। 3 1 3, 3 7 21, 7 7, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 7 3 21, 21 × 2 कितना होता है 42, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया 42। अब आप क्या करोगे, पहले नीचे नंबर से डिवाइड और ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, ठीक है। 6 की टेबल में 42 कब आता है, 7 बारी में, ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई। 42 की टेबल में 42 कितनी बारी में आता है, 1 बारी में, ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग, 43 × 7 कितना होता है, यहीं पे करके देखिए, 43 × 7, ठीक है, 87 बन जा 87। अब आप इन दोनों को माइनस कर दीजिए, ठीक है, कितना होगा, बोरो लेंगे इसको देगा 0 को, 10 इसको देगा तो 10 बच गया 9 और ये हो गया 11। 11 में से आप 7 माइनस करोगे कितना बचेगा 4, 9 में से 8 माइनस करोगे 1, 2 का 2, तो ये हो गया 2 1 4, कितना हो गया 2 1 4 upon 42। कट भी सकता है ये, देखिए कैसे कटेगा, पहले तो देखो 2 से तो ये कटेगा, 2 2 4 2 1 2, 2 1 4 कट रहा है नहीं कट रहा, 2 से चेक कर लो यहाँ पे, ठीक है। 2 1 2, ये दो डिजिट अगर एक साथ नीचे उतरेंगी तो यहाँ पे क्या लगेगा 0, जब कोई भी दो डिजिट एक साथ नीचे उतरती है तो क्या लगता है 0। 2 7 = 14, कितनी बारी में कटा ये 107, तो ये आंसर हो गया 107/21, क्लियर है।